सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में न जाने कितने ही मासूम लोगों को अंधविश्वास के चलते अपनी जान गंवानी पड़ती है, जिसके पीछे ना ही कोई लॉजिक होता है और ना ही कोई साइंटिफिक रीजन। कुछ लोग किसी भी पाखंडी की मनधड़क कहानियों में आकर जुर्म कर बैठते हैं और जिंदगी भर पछतावा करते रहते हैं, तथा आज हम इस वीडियो के माध्यम से ऐसे अंधविश्वास के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके पीछे का साइंटिफिक रीजन कुछ और ही है। आप देख रहे हैं HPS TV और मैं हूँ सुप्रिया सचान। नंबर एक, आप सबने सुना ही होगा कि रात में पीपल के पेड़ के पास मत जाना। क्यों? क्योंकि वहाँ भूत प्रेत है? नहीं, इसका सही जवाब है जब कोई भी पेड़ दोपहर में फोटोसिंथेसिस करता है तो वह ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज करता है, पर वहीं रात के अंधेरे में सूर्य की किरणों के बिना पेड़ फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, इसलिए वह सांस लेता रहता है जिससे वह आसपास से ऑक्सीजन लेता है तथा भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकालता रहता है। वैसे तो हमें रात में किसी भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, परंतु पीपल का पेड़ इतना बड़ा होता है कि वह अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, जिससे घुटन, सांस की समस्या तथा इससे मौत भी हो सकती है। नंबर दो, आप सभी ने बुजुर्गों को नदी में सिक्के डालते तो देखा ही होगा या खुद भी सिक्का डाला होगा। तो क्या गंगा, नर्मदा, गोदावरी आदि नदियों में सिक्का डालने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? क्या है नदी, कुएं, तालाबों में सिक्के डालने की वजह? तो आइए जानते हैं इसके पीछे का राज। पुराने जमाने में ज्यादातर सिक्के कॉपर व तांबे के होते थे। उस समय पीने के पानी का एक ही स्रोत था, कुआं, नदी या तालाब। हमारा शरीर कॉपर को सिंथेसाइज नहीं कर सकता, पर शरीर का बायोलॉजिकल फंक्शन करने में कॉपर की आवश्यकता होती है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने यह परंपरा बनाई। नंबर तीन, हम किसी भी आवश्यक काम में जाने से पहले दही शक्कर क्यों खाते हैं? स्कूल एग्जाम, प्रेजेंटेशन, जॉब इंटरव्यू में जाने से पहले दही चीनी खाना नहीं भूलते, या हमारी माँ व दादी हमें दही चीनी खिलाकर ही भेजती हैं। क्या सिर्फ दही चीनी खाने से हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं, या इसके पीछे कोई जादुई शक्ति है? तो अब हम बताते हैं इसके पीछे की वजह। पुराने जमाने में लोग अपनी यात्रा बैलगाड़ी द्वारा ही पूरी करते थे, तभी बाहर की तपती गर्मी में जाने से पहले लोग दही शक्कर खाते थे। दही की तासीर ठंडी होती है जो हमें ठंडक देती है, और चीनी इंस्टेंट एनर्जी जिससे व्यक्ति हाइड्रेट और ग्लूकोज की एनर्जी से भरा रहता है, जिससे हमें अच्छा व सकारात्मक महसूस होता है। नंबर फोर, अगर काली बिल्ली रास्ता काटे तो उस रास्ते से कभी मत गुजरना। आपने ऐसा सुना ही होगा, इससे अपशगुन होता है? नहीं, इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन कुछ और ही है। पहले जमाने में जब लोग बैलगाड़ी से या पैदल यात्रा करते थे, तब जब बिल्ली उनका रास्ता काटती थी तो उनके जानवर जैसे घोड़ा, भैंस, बैल यह हड़बड़ा जाते थे। जब रात में बिल्ली की आंखें चमकती हैं तो अंधेरे में उन्हें वह किसी बड़े खूंखार जानवर जैसी प्रतीत होती हैं, जैसे शेर, चीता, बाघ। साथ ही साथ रात के अंधेरे में भागती बिल्ली के पीछे कोई बड़ा जानवर भी हो सकता है जो उनका शिकार करना चाहता हो और जो हम सभी के लिए घातक हो सकता है। तो यह है कुछ अंधविश्वास और डर जिसके पीछे का साइंटिफिक रीजन कुछ और ही है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।